अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं लियाकत अली, आप देख रहे हैं दक्षिण हरियाणा का नंबर वन चैनल मेवा सिटी न्यूज़। खबर देखने से पहले हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको बता दें कि मेवा जिले के दिव्यांगों के लिए अच्छी खबर है। जितने भी जिले के दिव्यांग हैं, वह जिला रेडक्रॉस समिति कार्यालय में अपना आधार कार्ड लाकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। दिव्यांगजनों को जल्दी ही उपकरण वितरित किए जाएंगे। यह जानकारी जिला रेड क्रॉस समिति सचिव महेश गुप्ता ने पत्रकारों को दी है। आपको बता दें कि महेश गुप्ता ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि जिले के 80% से अधिक दिव्यांगजनों को स्कूटी वितरित की जाएंगी। इसके अलावा जो दिव्यांग दुर्घटना में अपना हाथ या पैर गंवा चुके हैं, उनको कृत्रिम अंग वितरित किए जाएंगे। इसके अलावा जिन दिव्यांगों को कान से सुनाई नहीं देता, उनके लिए हेयरिंग मशीन का वितरण किया जाएगा। कुल मिलाकर जिले में जल्दी ही एक बड़ा कैंप का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पिछले कैंप में तकरीबन 2 करोड़ के उपकरण दिव्यांगजनों के लिए वितरित किए गए थे। ठीक इसी तरह एक बड़ा कैंप आयोजित किया जाएगा। सचिव महेश गुप्ता ने बताया कि 15 मार्च तक जिले के दिव्यांग अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि जिला रेडक्रॉस कार्यालय नुहू में आधार कार्ड साथ लेकर आने वाले लोगों का पंजीकरण तत्काल किया जाएगा। महेश गुप्ता ने कहा कि जितने भी दिव्यांग रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उनको उसी हिसाब से उपकरण दिए जाएंगे। आप देख रहे हैं नुहू मेवा से लियाकत अली की रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं उपायुक्त हमारे जो नू के हैं श्री इंद्रेंद्र धड़कड़ा जी, उनका धन्यवाद करूंगा कि उनका मार्गदर्शन हमें जो है रेडक्रॉस सोसाइटी नू को इतना प्राप्त हो रहा है कि वो जैसे ही हम किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में उनसे चर्चा करते हैं तो वो तुरंत उसमें अपनी सहमति देते हैं। तो मैं उनका सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा। इसके साथ जैसे आपने कहा कि दिव्यांगजनों के लिए हमारा एक पूरा एक प्रयास है, चाहे वो MDA हो, चाहे हमारा जिला प्रशासन नू हो, चाहे रेडक्रॉस सोसाइटी हो, जिले के कोई भी दिव्यांगजन जो है जो सुविधाएं सरकार द्वारा निर्धारित की गई है उनसे वंचित ना रहें। उसी की कड़ी में हमने एक छोटा सा प्रयास किया है कि जो जिले के दिव्यांगजन हैं जिनका 80% से ज़्यादा जो है उनके हाथ पैर में प्रॉब्लम है, उन लोगों को हम जो है एक अतिशीघ्र जो है विशाल कैंप का आयोजन कर रहे हैं। और उससे पूर्व उन सभी से मेरी अपील है कि वो आकर रेड क्रॉस सोसाइटी में अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, ताकि जब भी ये कैंप का आयोजन हो उस टाइम ये ना सुनने में आए कि भाई हमें कोई सूचना प्राप्त ना हुई। तो मैं आपके माध्यम से सभी से मैं अपील करता हूँ कि जिनको भी आवश्यकता है वो आकर रेड क्रॉस सोसाइटी में अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। मात्र एक आधार कार्ड की कॉपी चाहिएगी हमें और एक उसका जो है सर्टिफिकेट चाहिए। इसके साथ साथ जो हमारे बुजुर्ग माता बहनें हैं उनको अगर कानों की प्रॉब्लम है तो वो भी आके यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा लें, उनको भी हम जो है कान की मशीन देंगे। अगर किसी को हाथ पैर कटे हुए हैं वो लोग भी अगर चाहते हैं कि उनको जो है कृत्रिम हाथ पैर की हम सुविधा दें या बैसाखी दें, वो लोग भी आके यहाँ पर रजिस्टर्ड करा लें। तो हमारा सबका एक सामूहिक प्रयास है। पिछले दिनों भी आपने देखा होगा लगभग हमने 2 करोड़ की लागत से जो है यहाँ पे सामान वितरित किया गया था। अब भी हमारा काफ़ी विशाल कैंप आयोजित हो रहा है और इसके बाद भी हमारा प्रयास होगा कि हम ये पुनाना और फिरोजपुर में इस प्रकार के आयोजन करें।